Hello everyone, very good morning and very warm welcome to our online English classes at Shri Ram College 17 RB Rai Singh Nagar. Students, aaj hum karne wale hain Auto Beauty poem composed by John Keats. Iska jo lecture first hai wo already aapke liye upload kar diya gaya hai. Aaj hum karne wale hain uska lecture second, yani ki hum aaj is poem ka jo part dusra hai is poem ka wo padhne wale hain jo ki iska text hai. Pehle wali video ke andar maine aapko John Keats ka biographical introduction karwa diya tha, jisme humne unke life ke bare mein baat ki thi, unki compositions ke bare mein baat ki thi, okay. Aur fir humne Auto Beauty ki baat ki thi, isme ki auto jo beauty hai basically ye kya hai, Endymion ki jo book first hai uska stanza first hai. इसका वैसे जो ओरिजिनल टाइटल है वो थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, ये भी इसका एक सब टाइटल है, लेकिन आपके जो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर है उसमें इस पोइम का टाइटल ऑटो ब्यूटी रखा गया. ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस पोइम को इसके टेक्स्ट के साथ में और इसकी थीम के साथ में. जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऑटो ब्यूटी की जो थीम है वो थीम क्या है. इन द पोइम द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉरएवर इवन इन द मिरर्स ऑफ डिजीज सफरिंग्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ लाइफ. देखिए इस पोइम के अंदर जॉन किट्स का मोटो क्या है, मोटिव क्या है उनका पोइम लिखने का, कि एक जो सुंदर वस्तु हमारे जीवन के अंदर होती है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लाइफ के अंदर होती है, चाहे वो नेचर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या कोई भी हमारी लविंग थिंग हो सकती है जिसको हम बहुत ज्यादा यू नो प्यार करते हैं, तो वो सुंदर वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे जीवन के अंदर है वो हमेशा ही हमारे आनंद को बढ़ाती रहती है, यू नो हमारी प्लेजेंटनेस को वो हमेशा इंक्रीज करती है, चाहे डिजीज का टाइम हो, चाहे सफरिंग्स का टाइम हो, मतलब हम किसी पीड़ा के अंदर दुख में है, डिसअपॉइंटमेंट, चाहे हम निराशा में है. ओके, तो इन सभी कंडीशंस के अंदर जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमें आनंद देती है. सुंदर वस्तु हमें हर किसी बुरी से बुरी सिचुएशन के अंदर भी हमें आनंद देती है. द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी मेक्स अ लास्टिंग इंप्रेशन, क्योंकि उनका जो इंप्रेशन होता है, उनका जो प्रभाव इफेक्ट है वो एवरलास्टिंग है, मतलब वो हमेशा के लिए है. ओके, ऑन अस एंड गिव्स अस जॉय इवन व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट बिफोर आवर आईज. और देखिए एक स्पेशल जो चीज है थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, कि अगर वो चीज हमारी आंखों के सामने न भी हो ना, जब हम उनके बारे में इमेजिन करते हैं तो जब उनकी इमेजरी हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट होती है तो भी हमें उतना ही आनंद आता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम बीच पे घूम के आते हैं, अब हम घर पे वापस आ गए, तो घर पे ऐसा नहीं कि हम बीच के किनारे पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम घर पे बैठ के उन हमारी मेमोरीज को हम याद करते हैं, उस सीनरी को हम याद करते हैं, तो हमारे माइंड में बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट होती है और हमें उतना ही जॉय मिलता है जितना कि हम उस समय फिजिकली प्रेजेंट थे. ओके, तो आई होप कि आपको थीम समझ आई होगी कि थीम क्या है, कि ब्यूटीफुल थिंग एक जो होती है वो हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करती है. ओके, वो इस पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं. और उसकी खास बात क्या होती है कि चाहे हम डिजीज में, चाहे हम सफरिंग में, चाहे हम हमारे लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, वो फिर भी हमें उतना ही जॉय देती है. उसका जॉय कभी भी टाइम के साथ में कम नहीं होता है, और जब हम या वो चीज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं भी होती है तो भी वो हमें आनंद देती है. ओके, चलिए शुरू करते हैं इस पॉइंट के टेक्स्ट को. जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऑटो ब्यूटी का जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉरएवर, जो कि इस फर्स्ट स्टैंजा है जो एंडिमियन का उसकी फर्स्ट लाइन है. क्या कह रहा है फर्स्ट लाइन के अंदर पॉइंट जॉन किट्स, कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. कहते हैं कि जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा के लिए जॉय देती है हमें, हमेशा के लिए वो हमें हैप्पीनेस देती है. ओके, उसकी हैप्पीनेस कभी भी कम नहीं होती. ऐसा नहीं है कि वो एक सुंदर वस्तु है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो 10 मिनट के लिए हमें यू नो जॉय दे रही है, हमें हैप्पीनेस दे रही है, नहीं, वो हमेशा के लिए हमें जॉय, हमें यू नो हैप्पीनेस देती रहती है. फिर कहते हैं इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. देखिए लवलीनेस का मतलब क्या है, कि उसकी जो सुंदरता है, ओके, उसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीजेस, वो हमेशा बढ़ती रहती है. मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फीचर ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज दैट इट्स ब्यूटी और इट्स लवलीनेस increases with the time. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो इसकी लवलीनेस कम नहीं होती है, मतलब इसका जो अट्रैक्टिवनेस है इसकी वो कम नहीं होती, इवन कि वो बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. देखिए पास इनटू नथिंगनेस इज अ फ्रेज, तो यहां पे मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, टाइम निकलता है, पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो नथिंगनेस में, मतलब वर्थलेस बन जाती है, मतलब जिसका कोई भी अर्थ नहीं रहता. तो कह रहा है कि एक जो सुंदर वस्तु होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, एक सुंदर जो चीज होती है या एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी भी ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट नहीं होता है, पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ऐसे नहीं कि वो वर्थलेस बन जाता है. बट स्टिल विल कीप अ बाओ
लेकिन वो तो हमारे लिए क्या बना के रखता है। अब बाओ, देखिए बाओ का मीन क्या होता है, एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली तो ये एक प्रकार का शेडी कवर होता है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कुछ इस तरीके का शेडी कवर होता है, एक शेल्टर टाइप होता है। ओके, जैसे बहुत सारे पेड़ आपस में मिलने पर इस तरीके से एक, वैसे प्रॉपर हिंदी इसका मीनिंग देखें तो कुंज होता है एक प्रकार का, ये बावर है ना इस तरीके से। तो ऐसे यू शेप के अंदर जब पेड़ आपस में मिले होते हैं ना, आपने बहुत बार सड़क के किनारे पर देखा भी होगा कि बहुत सारे पेड़ है सड़क के इस किनारे वाले और उस किनारे वाले पेड़ ऊपर जाके आपस में मिल जाते हैं और एक शेल्टर हमें लगता है ऐसा कि एक जो उन्होंने मतलब शेल्टर हमारे लिए बना दिया है। तो कह रहे हैं कि बल्कि ये सुंदर वस्तु तो हमारे लिए क्या करती है, बट स्टिल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ये तो हमारे लिए वो क्वाइट मतलब वो बावर वो शेडी बून हमारे लिए बना के रखती है, मतलब वो शेल्टर हमारे लिए बनाती है, ये मतलब ये हमें वो आनंद देती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें अच्छी नींद देती है, मतलब एक सुंदर वस्तु होती है, जब हमारी आंखें उसको देखती हैं तो हमारा माइंड सूत होता है, हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है, जिस वजह से हमें बहुत अच्छी नींद आती है और हमें बहुत अच्छे ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और अच्छा सांस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी कहा था कि जॉन किट्स एक सर्जन, एज अ सर्जन भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर इंसान को नींद बहुत अच्छी आती है तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और स्वास्थ्य अच्छा है तो मतलब सांस भी उसको बहुत अच्छे तरीके से आती है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके लंग्स बहुत अच्छे होंगे। ओके, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह हम क्या करते हैं, आर वी रीडिंग। देखिए रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से फूलों का हार बनाना है ना, लिखा ना फ्लावरी बैंड, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर सुबह हम एक फूलों का हार बनाते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस अर्थ से जोड़े रखता है। फूलों का हार बनाने का मतलब क्या है कि हम अर्थ से जुड़े हैं। चलते हैं आगे, फिर क्या कहते हैं, अब यहां पे देखिए थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है पॉइंट को, पहले तो वो बता रहे कि एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किस तरीके से हमारे जीवन में रोल प्ले करती है। अब कहते हैं स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, देखिए डेस्पोडेंस का मतलब होता है मायूसी, कहता है मायूसी के बावजूद, स्पाइट ऑफ का मतलब यहां बावजूद, कहता है स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, हमारे जीवन के अंदर मान लो कि बहुत सारी मायूसी फैली, हम बहुत ज्यादा निराश हैं, ऑफ द इनह्यूमन डॉट, कह रहा है कि इनह्यूमन डॉट का मतलब यहां पे क्या है कि लोगों में जो अच्छे लोग होते हैं, जो नोबल नेचर के लिए, इसमें लिखा ना ऑफ द इनह्यूमन डॉट ऑफ नोबल नेचर, कि हमारे चारों ओर मायूसी है और हमारे चारों ओर डर्थ का मतलब यहां पे कमी से है, डेफिशिएंसी से, मतलब यहां पे कह रहा है कि हमारे चारों ओर हम क्या देखते हैं कि अच्छे नेचर, नोबल नेचर वाले लोगों की कमी आ जाती है। इनह्यूमन मतलब हमारे आसपास में हम क्या देखते हैं कि चारों ओर मायूसी है और हमारे आसपास में रहने वाले लोग, नोबल नेचर के जो लोग हैं उनकी कमी आ जाती है, मतलब लोग थोड़ा इविल काइंड ऑफ पीपल आ जाते हैं, मतलब थोड़ा बुरी आदतों वाले, बैड हैबिट्स वाले आप कह लो कि जो आपको सूट नहीं करते हैं, ऐसे लोग आपके चारों ओर है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और ग्लूमी का मतलब कि हमारे दिन भी ऐसे निकलते हैं कि निराशा भरे होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और जहां भी हम देखते हैं तो हमारे लिए चारों ओर से रास्ते कैसे हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, मतलब अनहेल्दी का मतलब यहां से क्या है कि वो हमारे लिए बुरे बन जाते हैं ना, और ओवर डार्कन्ड मतलब चारों ओर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ से हमारे लिए रास्ते बंद हो गए हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ कर सकती है, आगे देखते जॉन किट्स क्या कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के होने पर भी, इन सब के बावजूद, अगर आपके लाइफ में मायूसी है, अच्छे लोग आपके पास में नहीं है, अच्छे लोगों की कमी आ गई है, आप चारों तरफ से निराशा में डूब गए हैं, ओके, तो कहता है कि अब फिर एक थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करेगी, कहता है सम शेप ऑफ ब्यूटी, आगे कहता है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, पॉल का मतलब यहां पे वो पर्दा कवर, कहता है कि इस स्थिति में भी, इस सिचुएशन में भी क्या होगा, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हटा, उस पर्दे को हटा सकती है, उस कवर को हटा सकती है, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, जिसने हमारी स्पिरिट्स को डार्क कर दिया, मतलब हमें निराशा में डुबो दिया था, यहाँ पे कहना कि जिसने हमें डेस्पोडेंसी दी है, तो हमारी स्पिरिट से वो उन नेगेटिव वाइब्स को निकाल देगा। ओके, एक थिंग ऑफ ब्यूटी सच द, अब आगे देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कुछ नेचर की, उन्होंने कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स का डिस्क्रिप्शन हमें दिया है, सच द सन, जैसे कि कहता है सूर्य है वो भी एक सुंदर वस्तु है, ओके ऑब्जेक्ट है सॉरी, द मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, नए पुराने पेड़ हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी मून, और एक प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, जो
बड़े पेड़ हैं वो छोटे पेड़ों के लिए एक प्रकार से शैडी बूंद बन जाते हैं, ओके, मतलब वो सारे हमें एक वरदान के रूप में मिले हुए हैं गॉड की ओर से फॉर सिंपल शीप। और कहता कि ऐसी सुंदर चीजें, एक सिंपल क्रिएचर है छोटा सा शीप भेड़, उसके लिए भी वही है और हमारे लिए भी वही है। मतलब गॉड ने तो सुंदर चीजें सभी के लिए बनाई है ना, चाहे वो एक छोटा क्रिएचर शीप है और चाहे वो हम क्रिएचर हैं, सभी के लिए सेम ही गॉड ने बनाई है। एंड सच आर डेफोडिल्स, चाहे वो डेफोडिल फ्लावर्स हैं, डेफोडिल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके के फूल होते हैं। आई रिमाइंड यू कि डेफोडिल्स एक बहुत अच्छी पोइम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है और एक रॉबर्ट हैरिक की है, टू डेफोडिल्स, बहुत अच्छी पोइम है, दो नेचर पोइम आप जाके कभी भी विजिट करके पढ़ सकते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, अब डेफोडिल्स के बारे में बताया गया किस प्रकार से वो हरे भरे संसार के अंदर, वर्ल्ड यहाँ पे संसार मतलब वो प्लेस, क्योंकि डेफोडिल्स की खास बात क्या होती है कि बेसिकली ये स्लेव में उगते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और रिल्स का मतलब छोटी छोटी पानी की जो सरिताएं होती है, छोटी छोटी पानी की जो स्ट्रीम्स होती हैं, उनको रिल्स बोला जाता है। तो इस स्टैंजा के अंदर आपने क्या देखा, जॉन किट्स कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है थिंग्स हैं वो हम बता रहे हैं हमें, जैसे सूर्य है या सन है, मून है, डेफोडिल्स हैं जैसे, ओके, या क्लियर रिल्स हैं जो, अब क्लियर रिल्स क्या करती हैं, छोटी छोटी जो पानी की स्ट्रीम्स हैं वो क्या करती हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए क्या करती हैं, अ कूलिंग क्वेट, वो अपने लिए एक कूलिंग क्वेट मतलब अपने लिए एक ठंडे आवरण को बनाती हैं, ओके, क्या करती हैं, एक ठंडे आवरण को बना लेती हैं, ठंडे कवर को बना लेती हैं, मतलब कूलिंग पैदा करती हैं वो अपने लिए। गेंस्ट, अब यहां पे जो ये है ना गेंस्ट, ये अगेंस्ट का ही शॉर्ट फॉर्म है, अगेंस्ट का ही शॉर्ट फॉर्म है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी के अंदर जब छोटी छोटी जो पानी की स्ट्रीम्स होती है ना वो आपस में ही मिलके क्या बनाती हैं, एक प्रकार का कुवेट बना लेती हैं, झुंड बना लेती हैं वो, और अपने लिए ठंडक पैदा करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और आप जंगल के बीच में जो उस ब्रेक को देख सकते हैं, देखिये ब्रेक एक प्रकार का क्या होता है, फर्न होता है, प्लांट होता है, एक प्रकार का फर्न आप यहां पे देख रहे हैं, इस तरीके का प्लांट होता है, ओके। और सुंदर चीजें क्या बता रहा है, कहता जंगल के अंदर फर्न आप देख सकते हैं, रिच विद स्प्रिकलिंग, और उसके ऊपर ऐसा लगता है कि उनके अंदर से जो खुशबू आती है वो क्या, ऑफ फेयर मस्क रोज, देखिए मस्क रोज एक प्रकार का फ्लावर होता है, ब्लूम्स, जब वो पूरा खिला होता है तो चारों तरफ उसमें से अरोमा आती है ना, मस्क रोज, वैसे आपने देखा होगा कि कस्तूरी को भी कहते हैं ना, जो हिरण के जो बैली बटन में से मिलता है और उसको परफ्यूम्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो ये कुछ सुंदर चीजें हमें बताई हैं जॉन किट्स ने। अब चलते हैं इस पॉइंट के लास्ट स्टैंजा की ओर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या कहते हैं, एंड सर्च टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब इनसे भी ज्यादा बढ़ के कहता है कि हमारे लिए जितने भी जो, देखिए ग्रैंडियर का मतलब क्या है यहां पर, स्प्लेंडेड, बहुत शानदार, ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब कि जिनकी डेथ हुई है, कह रहा है कि जितने भी महान जिनकी डेथ हुई है या जो पूरी शान से मरे हैं वो भी हमारे लिए क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। कौन मरे हैं, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड का मतलब यहां पे क्या है, जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हुए हैं, कह रहा है कि जो शहीद लोग हैं जो अपनी पूरी शान के साथ मरे हैं वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। आगे क्या कहता है इस लाइन में, All lovely tales that we have heard or read, और जितनी भी उनके बारे में हमने कहानियां चाहे हमने सुनी है चाहे हमने पढ़ी है वो भी हमारे लिए अपने आप में क्या है, एक thing of beauty है। Last two line बहुत important है, क्या कहते हैं, An endless fountain of immortal drink, और ये सारी जो thing of beauty है ना वो ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी क्या है, एक fountain के रूप में आ रही है हमारी ओर, और fountain कैसे है वो, immortal drink है, immortal drink अमृत होता है, कहते हैं इसको पीने के बाद इंसान मरता नहीं है, powering unto us from the heavens brink, heaven क्या होता है, स्वर्ग होता है, जैसे इस प्रकार से इमेजरी दिखा रहा हूं आपको मैं, तो कह रहा है कि ऐसे लगता है कि स्वर्ग के किनारे से ये जो सारी सुंदर चीजें हैं ना वो उस नेक्टर के रूप में, इमोर्टल ड्रिंक के रूप में झरने की तरह बहती हुई हमारी ओर आ रही है, बस हमें जरूरी क्या है, उन चीजों को देखना, उनको नेचर में से ऑब्जर्व करना, ओके। तो ये थी थिंग ऑफ ब्यूटी या ऑटो ब्यूटी, जॉन किट्स द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पॉइंट। आई होप कि आपको समझ आई होगी, इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें आपको और बेटर समझ आएगा। वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट में बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।